अच्छा, अमित शर्मा कह रहे हैं कि इनको मारुति खरीदना है अगले 1 साल के लिए, जी तो किस लेवल पे खरीदें? और इन्होंने कहीं देखा है कि राउंडिंग बॉटम इसमें बन रहा है डेली चार्ट पे, ऐसा कुछ है क्या? सर, देखिए इसीलिए कहता है नीम हकीम खतरे जान, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ये मुझे लग रहे हैं। राउंडिंग बॉटम एक 3-4 साल के लो पे दिखने वाला पैटर्न है। कोई भी पैटर्न कहीं भी उठा के देखना शुरू कर देंगे ना तो कोई उसमें बहुत अकलमंदी नहीं है। राउंडिंग बॉटम एक बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न है और मारुति चल रहा है ऑल टाइम हाई पे ब्लू स्काई टेरिटरी में, तो ये तो टॉप चल रहा है। आप बॉटम का पैटर्न टॉप में क्यों ढूंढ रहे हैं? तो आई थिंक समीकरण गलत है, कहीं ढंग से जाके किसी अच्छे मेंटर किसी अच्छे गुरु से पढ़िए, तो व्हाट्सएप से मत पढ़िए। क्या करना है, इसमें खरीदना है क्या एक नहीं सर, साल के अभी जब आप लिए? निफ्टी ऑटो की बात करें तो मैं वही चार्ट देख रहा था। निफ्टी ऑटो की ये लॉन्गेस्ट रनिंग स्ट्रीक है मंथली क्वार्टरली चार्ट्स में, और बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, तो जो जो ऑड्स है ना सर, वो अब उतने बढ़िया नहीं रहे, रिस्क रिवॉर्ड उतने बढ़िया नहीं रहेगा निफ्टी ऑटोज में। नो डाउट 400-500 रुपए और चल सकता है, क्योंकि देखिए 1350 से एकदम सडन फॉल आया था उसको, उस बेरिश गैप को भरने की। बट अगर लास्ट 2-2.5 हफ्तों का देखें तो जहां से मारुति गिरा उसके बाद से उस गैप एरिया को किन्हीं कारणों से लास्ट 2-2.5 हफ्ते से चैलेंज नहीं कर पा रहा है, तो ये तो वीकनेस का साइन है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास एग्जॉशन गैप के बाद एग्जॉशन एक एग्जॉशन का पैटर्न है यहाँ पे, तो अगर इनको ढूंढना है तो कुछ यहाँ पे इनको टॉप रिवर्सल पैटर्न्स टेक्निकली इनको ढूंढने चाहिए, ना कि बॉटम रिवर्सल पैटर्न। बाजार टॉप पे चल रहा है, बॉटम पे नहीं, तो पैटर्न टॉप वाले ढूंढिए, शायद होंगे शायद नहीं होंगे। नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, और टॉप रिवर्सल का पैटर्न है तो आप बेचेंगे, बट लेने का तो सवाल नहीं बनता, वो पैटर्न ना ढूंढे आप। जी अच्छा, ब्रेक में जाना, मुझे जाने से पहले एक बात मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो राउंडिंग बॉटम वाला क्वेश्चन था। जी देखिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न आप कहीं से भी सीखें, आप ये बेसिक समझिए कि उस क्या होता राउंडिंग बॉटम। आप जी डेली बेसिस पे एक हफ्ते में एक महीने में नहीं देख सकते, जी बिल्कुल एक कम से कम 3-4 साल का चार्ट आप देखेंगे तब आपको समझ में आए। जैसे कढ़ाई होती है ना जिसमें सब्जी घर में बनती है, उसका जो राउंडिंग बॉटम है ना उसी के हिसाब से कहा जाता है राउंडिंग बॉटम। आप एक दिन में या एक महीने में राउंडिंग बॉटम नहीं देख सकते हो, बनेगा नहीं, गलत होगा। कम से कम 3-4 साल का चार्ट खोलिए तो आपको समझ में आएगा, अच्छा देखिए ये बॉटम जैसा बन रहा है और नीचे राउंड हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम। बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करिए, आप कहीं से भी सीखिए लेकिन डेली बेसिस पर राउंडिंग बॉटम नहीं देख सकते आप। जी सर, जी बहुत छोटे में रखिएगा सर। जी, इसके नाम में ही बॉटम छुपा हुआ है, राउंडिंग बॉटम। अगर आप कुछ ढूंढने का टाइम है तो राउंडिंग टॉप, अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको एक्चुअली मारुति में एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ दिखेगा, ना कि बॉटम। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।